Good morning students. Today our topic is importance of business environment. कल वाले वीडियो में हमने business environment का मीनिंग और फीचर्स डिस्कस की थी. आज का जो हमारा टॉपिक है business environment की इम्पोर्टेंस. ठीक है, तो इम्पोर्टेंस का फर्स्ट पॉइंट है इट अनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज. ठीक है, सबसे पहले तो आता है अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना. तो व्हाट डू मीन बाय द अपॉर्चुनिटी? अपॉर्चुनिटी हमने कल भी डिस्कस किया था, वो पॉजिटिव कंडीशंस होती है जो कहीं ना कहीं बिजनेस को ग्रोथ और एक्सपेंशन होने की फैसिलिटी देती है. ठीक है, तो जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी को टाइमली आइडेंटिफाई कर लेता है देन वो बिजनेस फर्स्ट मूवर एडवांटेज बन जाता है. इट मीन सबसे पहले प्रॉफिट अर्न करने वाला बिजनेसमैन बन जाता है. कैसे बनता है? क्योंकि हम एनवायरमेंट की अगर कंटिन्यूअस स्कैनिंग करते हैं तो एनवायरमेंट में कुछ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती है. बिजनेसमैन एनवायरमेंट स्कैनिंग के ड्यूरेशन में उन अपॉर्चुनिटीज को क्या कर लेता है? आइडेंटिफाई कर लेता है. आइडेंटिफाई करके उनको पिक करता है और फर्स्ट मूवर एडवांटेजर बन जाता है. इट मीन सबसे पहले प्रॉफिट अर्न करने वाला बिजनेसमैन बन जाता है. फॉर एग्जांपल, मारुति कंपनी ने एनवायरमेंट की स्कैनिंग की और एनवायरमेंट की स्कैनिंग से मारुति कंपनी को पता चला कि इंडिया में मिडिल क्लास पॉपुलेशन क्या है, ज्यादा है. ठीक है, और पेट्रोल की प्राइस भी इंक्रीज हो रही है. तो मारुति कंपनी ने स्मॉल कार मैन्युफैक्चरिंग क्या कर दी? स्टार्ट कर दी. इट मीन्स एनवायरमेंट में अपॉर्चुनिटी थी वो उसने आइडेंटिफाई की और स्मॉल कार मैन्युफैक्चरिंग करने क्या कर दी? स्टार्ट. और लास्ट के ऊपर क्या किया? प्रॉफिट अर्न किया. सबसे पहले ये स्टेप मारुति कंपनी ने उठाया, सो मारुति कंपनी फर्स्ट मूवर एडवांटेजर बन गई. ठीक है, सेकंड पॉइंट इंपोर्टेंस का आता है इट हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स. इट मींस एनवायरमेंट की कंटीन्यूअस स्कैनिंग करते हैं तो जैसे हमें अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई होती है एज वेल एज हमें कुछ थ्रेट्स भी आइडेंटिफाई होते हैं. तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट डू मीन बाय द थ्रेट्स? कि द थ्रेट्स और नेगेटिव कंडीशंस होती है जो कहीं ना कहीं बिजनेस की एक्सपेंशन और ग्रोथ पर रिस्ट्रिक्शंस लगाती है. ठीक है, तो अगर एनवायरमेंट की हम कंटीन्यूअस स्कैनिंग करते हैं तो हमें एनवायरमेंट में वो थ्रेट्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं. ठीक है, वो थ्रेट्स कहीं ना कहीं हमें अर्ली एडवांस में वार्निंग सिग्नल्स देते हैं, हमें वार्निंग देते हैं कि इन थ्रेट्स की वजह से फ्यूचर में आपको क्या होने वाला है? लॉस होने वाला है. तो बजट में हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि भाई हमें उन थ्रेट्स को बजट में मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर में हम उन थ्रेट्स की वजह से लॉस बियर ना करें. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंडियन कंपनी है, उन्होंने एनवायरमेंट की स्कैनिंग की और एनवायरमेंट की स्कैनिंग करने से इंडियन कंपनी को आइडेंटिफाई हुआ, एक थ्रेट आइडेंटिफाई हुआ कि फ्यूचर में वेरियस एमएनसी कंपनियां इंडिया में क्या करने वाली है? एंटर करने वाली है. इससे उसको लगा भाई जब वेरियस एमएनसी कंपनी इंडिया में एंटर होगी तो डेफिनेटली उसका प्रॉफिट क्या होगा? डिक्रीज होगा. अब उसने परचेज में क्या कर लिया? अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर लिया. ठीक है, एडवर्टीजमेंट वगैरह पे ज्यादा फोकस और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसने रिड्यूस करनी स्टार्ट कर दी. इट मीन्स फ्यूचर में होने वाले लॉस को परचेज में ही मिनिमाइज करने के लिए उस कंपनी ने एफोर्ट्स करने क्या कर दिए? स्टार्ट कर दिए. ठीक है, तो ये जो थ्रेट्स होते हैं ये हमें एडवांस में एक वार्निंग दे जाते हैं कि फ्यूचर में आपको क्या होने वाला है? लॉस. लेकिन कहते हैं कि एनवायरमेंट की स्कैनिंग से जब हमें थ्रेट्स पता चल जाता है तो उन थ्रेट्स को हम परचेज में एफोर्ट्स करते हैं उनको मिनिमाइज किया जाए ताकि उनकी वजह से हमें फ्यूचर में लॉस बियर ना करना पड़े. थर्ड इंपॉर्टेंस आती है बच्चों, इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज. टैपिंग का मतलब यूजफुल रिसोर्सेज कलेक्ट करना है एनवायरमेंट से. इधर एक बिजनेस गुड्स का प्रोडक्शन करता है, गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए उसको रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है. बिजनेस ओनर रिसोर्सेज टैप कहाँ से करता है? एनवायरमेंट से. मैन, मशीन, मेटीरियल, फाइनेंस, बहुत सारी यानी रिसोर्सेज की जरूरत है
इम्पोर्टेंस का जो फोर्थ इम्पोर्टेंस का पॉइंट है, इट हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंज। रैपिड चेंज का मतलब होता है कि हमारा एनवायरनमेंट बहुत रैपिड स्पीड से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। फ्रीक्वेंटली हमारे एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है, हम एक चेंजिंग एनवायरनमेंट में है, हमारा एनवायरनमेंट डे टू डे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन बिजनेस उस चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या करता है, अपने आप को कॉपी करता है। इट मीन्स अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को बिजनेस चेंज करता है ताकि उस बिजनेस एक्चुअल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए, उस एक्चुअल एनवायरनमेंट का कोई नेगेटिव इफेक्ट बिजनेस पे अराइज ना हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल है भाई, कंपटीशन इंक्रीज हो गया। ठीक है, कंपटीशन इंक्रीज होने से कहीं ना कहीं कस्टमर्स की डिमांड इंक्रीज होगी, टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा। और बच्चों जब टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा, अगर बिजनेस में उस टेक्नोलॉजी चेंज के अकॉर्डिंग अपनी टेक्निक चेंज नहीं करेगा तो वो मार्केट में सर्वाइव नहीं रह पाएगा। इसलिए एक बिजनेस को जैसे एक्स्ट्रा एनवायरनमेंट में कोई चेंज आता है, तुरंत उस एक्स्ट्रा एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को भी यानी अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को भी क्या करना, चेंज कर देना चाहिए ताकि वो लॉन्गेविटी भी मार्केट में क्या है, सर्वाइव कर सके। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बिजनेस अपने आप को क्या करता रहता है, चेंज करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस आती है फिफ्थ, वो आती है इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ये तो बिजनेस एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं हमारी प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी क्या करती है, हेल्प करती है। क्योंकि एनवायरनमेंट की कॉन्टिन्यूस स्कैनिंग करने से हमें एनवायरनमेंट से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है, मार्केट की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है। उन इन्फॉर्मेशन के बिहार पर हम अपने बिजनेस का क्या बनाते हैं, प्लान एंड पॉलिसी बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एनवायरनमेंट की स्कैनिंग की और एनवायरनमेंट की स्कैनिंग से मुझे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई कि आगरा में टूरिस्ट क्या आते हैं, ज्यादा आते हैं। तो मैंने प्लान बनाया कि आगरा में क्यों ना एक होटल ओपन कर लिया जाए, क्योंकि अगर हम होटल ओपन करेंगे तो हमारे प्रॉफिट इंक्रीज होने के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा। तो क्योंकि एनवायरनमेंट की स्कैनिंग से हम कहीं ना कहीं अपने बिजनेस के ग्रोथ करने के लिए प्लान एंड पॉलिसी भी बनाने में एनवायरनमेंट हमारी क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। उसके बाद लास्ट इंपॉर्टेंस का पॉइंट है सिक्स, इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट से कहीं ना कहीं हमारी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हम अपने बिजनेस के इंटरनल एनवायरनमेंट को भी चेंज कर रहे हैं, इसके लिए हम कुछ नई मेथड्स, नई टेक्निक्स अडॉप्ट कर रहे हैं ताकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हम एडजस्ट हो सके। बेटा जब आप नई टेक्निक, नई मेथड चेंज करोगे तो डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस क्या हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है। जिसमें आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, एक वीक स्टूडेंट है, उस वीक स्टूडेंट को मुझे कोई पर्टिकुलर टॉपिक सिखाना है। अब मैं अपने माइंड में सोचती हूँ भाई कौन सी मेथड, कौन सी स्ट्रेटेजी, कौन सा प्लान मैं यूज करूँ ताकि वो बात उस बच्चे को बहुत अच्छे से बता सकूँ। तो इसके लिए मैं कुछ अपने माइंड में कोई नया आइडिया, कोई नया मेथड अपने माइंड में सोचूंगी, तो कहीं ना कहीं इससे मेरा इनिशिएटिव और क्रिएटिव लेवल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और मेरी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज होगी, क्योंकि मैं कुछ नया सोच रही हूँ। तो कहते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट में भी भाई एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या होता है, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट चेंज के अकॉर्डिंग हम भी अपनी टेक्निक, अपने मेथड्स चेंज कर रहे हैं, तो इससे हमारी भी परफॉर्मेंस क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ये तो थी बेटा इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। फिर जनरली बच्चों आपका तो पूरा का पूरा पेपर स्टडी बेस आता है, तो केस स्टडी में मैम अगर ये इम्पोर्टेंस आती है तो आप कैसे सोल्व करोगे। देखो फर्स्ट पॉइंट में तो आपने जो भी अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई की है, आप उस अपॉर्चुनिटी को पिक करके फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहला ऐसा पर्सन बनते हो जो आप प्रॉफिट अर्न करते हो। उसके बाद बाकी कॉम्पिटिटर्स या बाकी जो बिजनेसमैन है वो बाद में एंट्री करेंगे। सबसे पहले आपने प्रॉफिट को अर्न किया, देन आपका फर्स्ट वाली इंपॉर्टेंस आती है उस केस में। सेकेंड में आपने कोई नेगेटिव यानी कोई थ्रेट्स आइडेंटिफाई हुआ, आपको कुछ नेगेटिविटी एनवायरनमेंट में दिखी, उसको ओवरकम करने के लिए प्रेजेंट पे आपने क्या किया, आपने कोई स्ट्रेटेजी बनाई है ताकि उस थ्रेट्स की वजह से आपको फ्यूचर में लॉस आराइज ना हो। तो उस केस में सेकेंड वाला आता है जहाँ रिसोर्स कलेक्ट करने की बात आती है, रिसोर्स अरेंज करने की बात आती है एनवायरनमेंट में, तो उसमें
और जो हमने रियली रियली बिजनेस सेटअप करके लास्ट ईयर में प्रॉफिट अर्न कर लिया, तो उस केस में आपकी फर्स्ट वाली इंपॉर्टेंस आती है कि इट अवेबल्स द फॉर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। सिक्स वाली में देखो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग जब हम चेंज कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम कुछ नए आइडिया कुछ नए